बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हर पल खुशनुमा हो जाएगा जब हमारे खेतों में फसलें लहलहाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के साथ बतख पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। लातेहार के किसान पीएम कुसुम योजना के तहत ले सकते हैं अनुदानित सोलर पंप सेट। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सारिका। अब समाचार विस्तार से। राज्य के जो मछली पालक मछली पालन के साथ साथ बतख पालन करना चाहते हैं, वे मछली पालन सह बतख पालन योजना से लाभ ले सकते हैं। इसके लिए लाभुक का अपना तालाब हो, तालाब का कम से कम 1 एकड़ जल क्षेत्र का होना आवश्यक है। इस योजना की कुल लागत 1,53,350 रुपये प्रति इकाई है। इसमें एससी एसटी और महिला लाभुक को 80% और अन्य सभी श्रेणी के लाभुकों को 70% अनुदान दिया जाएगा। लाभ के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। झारखंड नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण की ओर से पीएम कुसुम योजना के तहत लातेहार के किसानों के बीच सोलर पंप सेट का वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसान को 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपए का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 10,000 रुपए का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान कम बारिश के कारण धान की खेती नहीं होने के कारण जिस आर्थिक क्षति की संभावना है, उसकी भरपाई दलहन फसलों की खेती से कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 खेत में अरहर और टाड़ खेत में मूंग, उड़द और कुलथी लगा सकते हैं। खरीफ मौसम में की जाने वाली दलहनी फसलों की खेती के लिए धान फसल के समान पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अरहर, मूंग, उड़द और कुलथी के फसल में जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए इन फसलों की खेती के लिए टाड़ खेत चुनने की सलाह दी जाती है। अभी मानसून की विलंबता को देखते हुए या इसकी स्थिति को देखते हुए जो 2-3 में किसान भाई धान लगाते हैं, वहाँ पे अब आप दलहन लगाइए। और दलहन की में 2-3 की अगर बात करेंगे तो अरहर की फसल लगेगी और वो भी मेड़ और नाली सिस्टम में ही लगाना है, बुवाई सीधी बुवाई करके ना लगाएं। और इसके अलावा जब टाँड की बात करेंगे तो टाँड में मूँग, उड़द, कुलथी इन फसलों का आप चयन करके और मानसून की स्थिति को देखते हुए खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों अगस्त तक बरसाती भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में सोनल या सारिका लगा सकते हैं। भिंडी के सामान्य प्रभेद की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य और संकर दोनों प्रभेदों की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। भिंडी के सामान्य प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 और अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेदों में सोनल और सारिका की उत्पादन क्षमता औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वर्मी टेट्रा बेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केंचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर,
मिट्टी, केंचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाया जाता है। राज्य के किसान वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए वर्मी टेट्रा बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिर्च फसल के फल छेदक कीटों से बचने के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इसके रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवम्बर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक
ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारिश का मौसम आते ही हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं अपने खेतों में तरह तरह की फसलें लगाने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि समय पर बरसात नहीं होने के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में अगर सुखाड़ की स्थिति आ जाए तो क्या वैकल्पिक कृषि हम करें, जिससे हम आर्थिक रूप से मजबूत भी बने रहें और नुकसान से भी बच सके? तो आइए, इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं। तो बिना देर के हम सीधा चलते स्टूडियो और जानते हैं कि सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक कृषि के दौरान हमें क्या क्या करना है और कौन से फसलें लगानी है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के बाद जब बारिश की बूंदें झमाझम गिरती है तो आप में एक नई उत्साह, नई हलचल दिखाई पड़ती है, लेकिन इस वर्ष मानसून कुछ रूठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश नहीं होने की वजह से परेशानियां हो गई हैं। सुखाड़ की स्थिति में भी खेती की जा सकती है। सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक खेती की क्या क्या संभावनाएं हैं, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री मुकेश कुमार सिन्हा स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री सिन्हा झारखंड सरकार के कृषि निदेशालय में कृषि उप निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है, तमाम जानकारियाँ, तमाम बातें हम आप तक पहुँचाएँगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, जैसा कि हमने कहा शुरू में ही कि इस साल बारिश नहीं हुई है अच्छी, मानसून कुछ रूठा हुआ है, इस वक्त अगर हम बात करें, हालांकि आज और कल दो दिन काफ़ी बारिश हुई है, इस वक्त अगर हम बात करें सर, तो वर्षापात की क्या स्थिति है? झारखंड में जो मानसून है वो अमूमन जून के सेकेंड वीक में 10-12 जून तक आता है जी। देखिए, इस वर्ष जो मानसून आया है वो थोड़ा विलम्ब से आया है जी। हम कहें कि 18 जून के आसपास में इस साल बस मानसून आया है, तो थोड़ा विलम्ब है। और जो जून जुलाई का जो वर्षा है वो भी काफ़ी मानसून जो है वो बहुत वीक मानसून कह सकते हैं हम, कमज़ोर मानसून था। हालांकि अभी आपने जैसे कहा कि 2-3 दिन से वर्षा शुरू हो रही है, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आगे के दिनों में जो वर्षा अच्छा होगा। IMD का भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में वर्षा अच्छी होगी, लेकिन अब तक जो वर्षा की स्थिति हुई है वो अच्छी नहीं कह सकते हम, कमज़ोर मानसून रहा है। जो झारखंड में वर्षा होता है लगभग 1200 से 1400 मिलीमीटर का वर्षा होता है जी। और उसका जो मेन पार्ट है, मुख्य भाग जो उसका है, वो जून से लेकर सितंबर महीने तक होता है जी। मतलब जून से सितंबर महीने तक में 1027 मिलीमीटर का वर्षा हम लोग पाते हैं, जो हम लोग खरीफ मौसम कहते हैं, जिसमें हम मूलतः धान की खेती करते हैं जी। तो ये जो मौसम है वो वर्षा का मौसम है और मैक्सिमम वर्षा इसी समय में होता है। लेकिन इस बार जो हम कहें, अगर जैसा बताएं आपको, इस वर्ष जो है वो अब तक का जो वर्षापात की जो स्थिति है 607 मिलीमीटर उनको होना चाहिए था 1 जून से हम अगर ले, लेकिन अब तक 319 मिलीमीटर ही वर्षा राज्य में हुई है, आधा कहा जा जो सकता कह सकते है। हैं कि 53% है, ये डिविजन का बात करें हम लोग तो 53% -47 है, वर्षा 53% हुआ है और -47 मतलब जितनी जरूरत है उससे 47% कम है। राइट, सही सही वर्ग कहा आपने। तो इस वर्ष अभी तक का जो अनुमान है कि में यही हुआ है, लेकिन आगे हम लोग देखना होगा कि अगस्त महीने में क्या स्थिति होती है और सितंबर महीना जो मूल मौसम है खरीफ का, उसमें क्या तो आमतौर पर सर, जैसे धान के आच्छादन की बात होती है तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त तक तकरीबन आच्छादन हो जाता है, इस पर बारिश नहीं हुई तो बिछड़े की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, तो जो आच्छादन की स्थिति है जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो क्या है? हम अगर बात करें कवरेज का, क्रॉप कवरेज का, तो अभी तक में धान जो है वो 4 लाख हेक्टेयर में लगभग हुआ है,
जबकि हमारा जो लक्ष्य है धान का वो लगभग 18 लाख हेक्टेयर का है। अच्छा, तो हम लोग केवल 22% धान का कवरेज ही अभी तक कर पाए हैं, जो बहुत कम है क्योंकि वर्षा नहीं हुई, जैसा आपने कहा। और वर्षा जो नहीं हुई है तो अभी हमारे जो राज्य के जो 24 जिले हैं उसमें 6 जिले ऐसे हैं जिसमें काफ़ी डेफिशिएंट वर्षा है, जैसे आपका गढ़वा है, चतरा है, उधर संथाल में आपका गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामतारा, ये सब जगहों में काफ़ी कम वर्षा हुई है। केवल राज्य में एक ही जिला ऐसा है जहाँ पर हम लोग वर्षापात जो देख रहे हैं वो सामान्य वर्षा है कह सकते हैं हम, जहाँ वो पूर्वी सिंहभूम में है जी। बाकी से सभी 17 जिले भी डेफिशिएंट हैं। पूर्वी सिंहभूम के किसान कुछ इस मामले में ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, तो वहाँ पे वर्षा की स्थिति सामान्य कह सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी शेष जिलों में वर्षा की स्थिति जो है वो डेफिशिएंट है, कहीं कुछ ज़्यादा डेफिशिएंट है, कहीं कम डेफिशिएंट है, जैसे मैंने कहा आपको। तो सभी जिलों में मूलतः ये स्थिति है कि वर्षा की स्थिति कमी है, इसी कारण से जो धान का आप कह रहे हैं कवरेज की बात हम लोग करते हैं, तो धान 18 लाख हेक्टेयर में हम लोग केवल 4 लाख हेक्टेयर ही अभी तक काफ़ी कम कब कर पाए हैं। धान जो होता है वो मूलतः 2 पीढ़ी से होता है, एक तो छीटा बीटी कहते हैं हम लोग, जो किसान को धान को छीट देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, और दूसरा है रोपा मेथड, जो नर्सरी में किसान सीडलिंग्स लगाते हैं, बिचड़ा लगाते हैं, और फिर जब पानी झमाझम होता है, खेत में पानी भर जाता है, तो 20-21 दिन के अंतराल में सीडलिंग के बाद उसकी रुपाई करते हैं। तो अभी सीडलिंग्स तो किसान ने लगा दिया जी, लेकिन रुपाई उसकी नहीं हो पाई, और जो छीटा बीटी से जो कर पाए हैं तो वो कुछ कर पाए जी। जो हम 4 लाख हेक्टेयर का बात करते हैं, कुछ जगह रुपा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम नील है, लेकिन बहुत कम है जी। तो चूंकि वर्षा चूंकि अच्छी नहीं हुई, खेत में पानी जमा नहीं, लगा नहीं जी। तो किसान क्या किए कि कर पाए कि रुपाई नहीं कर पाए, इस कारण से धान का जो कवरेज हमारा अभी तक में वो 4 लाख हेक्टेयर हो पाया है। लेकिन हम मानते हैं झारखंड में कि झारखंड में 15 अगस्त तक रुपाई करते हैं लोग, कभी कभी कुछ ज़्यादा दिन भी बढ़ता है, लेकिन अमूमन 15 अगस्त तक धान की खेती रुपाई किसान करते हैं। कभी भी जो 5 दिन का समय है, अगर पानी झमाझम हो गया, क्योंकि सीडलिंग्स उनके पास में है, कुछ बिचड़े खराब हो गए होंगे पानी के कमी की वजह से, लेकिन जो बिचड़े बचाए गए हैं, जिस किसान ने इस बिचड़ों को बचाया है जी, वो किसान ऐसे 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 भी हैं कि जो कि बिचड़ों को उन्होंने सेव नहीं किया है, तो दिक्कत उनको है, लेकिन जिन्होंने किसान बिचड़ों को बचा लिया है वो सभी चाहे तो अगर पानी, और बहुत सारे किसान जो है वो कम जो समय के बीज बिछड़े हैं उसको लगाते हैं, इसमें आया 64 है, ललाट है, सहभागी है, इस तरह के बहुत सारे वंदना है किसान को। किसान भाई को यही सलाह है कि जो भी लंबी अवधि के जो प्रजातियां हैं उनको नहीं लगाएं, क्योंकि वो समय नहीं है कि अब लंबी अवधि के प्रजाति का हम रोपा करें। किसान को सलाह दी जा रही है कि आप जो छोटी अवधि की जो कम समय में तैयार हो, कम समय में तैयार हो जाए, और जो ड्रॉट एसेंट हो, सूखा रोटी हो, जो कम पानी में भी हो सके जी, वैसे धान के प्रभेद को लगाना है। और इसका आपका जैसे आपने कहा, सही कहा, IR64 DRT जो है या सहभागी, ये सब ऐसे ही वैरायटी है जो धान की कम दिनों में होती है और साथ ही डॉट इंस्टेंट भी है। बिल्कुल, और इसका एक असर और भी है सर कि अगर अभी हम देर तक लगाते हैं तो फिर हमारी जो गेहूं की खेती है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके और सूखा रोधी तो होना ही चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर रुपाई हम लेट से करेंगे, होता क्या है कि जैसे जैसे मौसम मानसून विलम्ब से आता है और रुपाई कम होता है, तो रुपाई कम होने की वजह से उनका जो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है वो बढ़ जाता है। जैसे ही वो लेट होता है, समय लेट होगा रुपाई का, तो क्या होगा कि जो हार्वेस्टिंग है वो उनका फसल कटनी का है वो भी बढ़ेगा। और हथिया नक्षत्र जो सितंबर महीने में आता है उसमें वर्षा अच्छी होती है उस फोर्टनाइट में जी। अगर उस समय में धान का फसल अपने अगर फ्लावरिंग स्टेज में रहेगा, माने फूल वाले स्थिति में रहेगा, तो यील्ड उसका अच्छा होगा, ग्रेन सेटिंग उसका अच्छा होगा, यील्ड अच्छा होगा। देखो होता क्या, जैसे ही ये विलम्ब होता है रुपाई से, तो वो स्टेज में नहीं होता है जी। वो बेचे थे भी स्टेज में ही रहता है, इस कारण से ग्रेन सेटिंग नहीं होता है और धान के
यील्ड पे भी, जो उसका जो फलाफल है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये तो सर जो हम बात कर रहे हैं ये तो समस्याएं हो गई जो हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसके साथ ये भी होनी चाहिए कि हम क्या करें ताकि किसान भाइयों को नुकसान नहीं झेलना पड़े। जो किसान भाई लगाए हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो तो खेती कर लेंगे और लक्ष्य भी हमारा बड़ा है, लेकिन खेती नहीं कर पा रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती है, ऐसा ना करे ईश्वर ना करे ऐसा हो, जो किसान भाई नहीं लगा पाए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की ओर से, या आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले अभी का जो स्थिति है उसमें हम लोग धान की अगर खेती करते हैं तो सबसे पहला यह है कि उनको कम दिन वाले जो प्रभेद, जैसा मैंने आपने भी कहा कि उसको लगाएं ताकि उसमें उनका यील्ड, उनका जो फलाफल है, प्रोडक्शन है, वो कम नहीं हो। दूसरा है कि जो मेथड है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, हम रोपा अगर नहीं कर सकते हैं तो किसानों को सलाह दी जा रही है और ये पंचायत लेवल पे सरकार के द्वारा विशेष किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसान भाई जो जागरूक होंगे वो कैसे होंगे। बिल्कुल, तो उनको विशेष किसान गोष्ठी के द्वारा ये बतलाया जा रहा है, जो भी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि धान की कम अवधि के प्रभेद लगाए जाएं या डायरेक्ट सीडिंग, जो सीधी बुआई हम बोलते हैं, सीधा आपको बीज को कतार में बो देना है, कोई ट्रांसफर रोपा नहीं करना है, तो उससे भी हमारा यील्ड कम नहीं होता है। तो इस बुआई को हम लोग करें और साथ ही जो डॉट स्टैंड वैरायटी, जैसे मैंने कहा कि सहभागी है, IR64 है, तो उसको लगाएंगे तो जरूर उसका फसल अच्छा होगा। साथ ही किसानों को सलाह भी है वैकल्पिक खेती पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और हमारा जो फसल विविधीकरण है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उस पर हमको फोकस करना होगा और सरकार इस पर फोकस कर रही है। हम लोग विभाग के द्वारा किसानों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप केवल धान पर ना रहें। बिल्कुल, क्योंकि धान ठीक है हम लोग किसान का ये मेन क्रॉप है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, लेकिन किसान को भी अब ये समझना होगा कि हमको धान पर ही आश्रित नहीं रहना है। बिल्कुल, हमको धान के अलावा जो और फसलें हैं, जो आपके कोर सीरियल है या दलहन है, पल्सेस है या तेलहन है, उस पर भी हमको जाना पड़ेगा। जैसे आपका मक्का जी, मक्का की खेती कर करेंगे हम तो मक्का कम पानी में भी होता है। बिल्कुल, धान की तरह पानी का आवश्यकता नहीं है। रागी, मरुआ जो यहाँ का मूल फसल है, मोटे अनाजों की जब हम बात करें और सरकार इसको प्रोत्साहित भी कर रही है इसमें, तो मक्का की खेती पर हम फोकस करें और मरुआ पर करें। दलहन में अरहर है, मूंग है, उड़द है और तिलहन में मूंगफली है, कुल्थी है, सरगुजा है, तो ये सब की खेती करने से हम लोग वैकल्पिक खेती की जब करेंगे और क्रॉप डाइवर्सिफाइड करेंगे, हम धान का जो खेत करते हैं या लगाते हैं जहाँ पर, उसको चेंज करते हुए ये धीरे धीरे पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है कि हम लोग धान के खेती को डाइवर्सिफाइड करें और इन सारी जितने भी क्रॉप्स हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता है उस पर हम लोग फोकस करें। इसी के लिए किसानों को जो विशेष गोष्ठी हो रही है उनको ये परामर्श दिया जा रहा है, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिलों में और हमारे जो आत्मा जो काम कर रहे हैं, ATM BTM भी इसमें लगे हुए हैं, जो ब्लॉक लेवल पे कृषि मित्र हैं सभी लोग मिलके ये किसान गोष्ठी कर रहे हैं और ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप केवल धान के पर मत रहें, आप फसल विविधीकरण करें, आप वैकल्पिक खेती की बात करें और आप दलहन, अरहर, उड़द, मूंग, मक्का, रागी, कुल्थी, सरगुजा, जितने भी चीज़ सब की फसल हैं इस पे जाएं। इस पे जब जाएंगे तो जरूर आपका फसल अच्छा होगा और उसका यील्ड भी मिलेगा और हम लोग जो लॉस है उस लॉस में कमी, और खासकर ऊपरी जमीन में जो है उनको तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल, इनकी जमीन ऊपरी जमीन है, जहाँ ऊपरी जमीन में है तो उनको और फोकस करना चाहिए क्योंकि बारिश की पानी तो जी, मिल नहीं पा रही। तो ये चीज सभी किसानों को सलाह दी जा रही है और किसानों को बल्क मैसेज भी जा रहा है सरकार के संदर्भ में, प्रत्येक जिले से उनको बल्क मैसेज जा रहा है, परामर्श जा रहा है कि आप क्या करें इस स्थिति में और जो भी फसल है वो वैकल्पिक फसल है उसका खेती करने का प्रयास करें और सीड बीज भी किसानों को यहाँ से सरकार के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बीज लगाते हैं, बीज की अच्छी खासी कीमत होती है, वो ख़राब हो जाता है तो फिर उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जब बीजों बिचड़े ख़राब हो रहे हैं तो इसमें सरकार क्या कर रही है, क्या आपका क्या सरकार के द्वारा वो लैम्प पैक्स के माध्यम से 50% अनुदान पे किसानों को बीज दी जा रही है और दी जा रही है। और अभी जो हमने कहा कि आपको वैकल्पिक खेती के बारे में, जैसे जो दलहन की खेती, इसके लिए भी बीज
सभी पैक्स लैम्स को उपलब्ध कराए गए हैं, तो किसान उस बीज को प्राप्त करे, 50% अनुदान पर उनको ये बीज मिलना है, उस किसान उसको लेके और किसान धान के जगह पे इसकी खेती जरूर करे, तो जरूर इसमें उनको बिल्कुल क्योंकि जमीन का कवर हो जाएगा जी। सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान बहुत भयभीत हो रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है इस वक्त, एक कृषि उपनिदेशक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? सबसे पहला संदेश तो यही है किसान भाइयों को कि बिल्कुल घबराए नहीं, और मौसम का मार मिला है हम लोग को, लेकिन भगवान चाहेगा जरूर आगे भी अच्छी खेती जी, और सरकार इस दिशा में प्रयासरत भी है, और जो भी खेती है हम लोग वैकल्पिक खेती पर जाएं, धान के अलावा मक्का मरुआ दलहन तिलहन पर जाएं बिल्कुल, और इसको हम लोग जरूर करें जरूर। किसान भाइयों घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सारी वैकल्पिक जो है सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक खेती की बहुत सारी संभावनाएं, आप इसे अपनाएं और लाभान्वित हों। सर आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।